हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। द क्रूसेड ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। बार बार अटेम्प्ट नहीं, एक बार में ही मिलेगी मेडिकल और इंजीनियरिंग में सफलता। अपराजिता विद्या कुंज, प्रोफेसर कॉलोनी दिग्घी वेस्ट दरभंगा, टारगेट बैच फॉर नीट एंड जी, कोर प्लिंथ एंड नर्चर बैच फॉर गारंटीड सक्सेस। अग्रवाल एक्सक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव शोरूम ऑफ ब्लैकबेरीज एंड मान्यवर, हसनचक पेट्रोल पंप के बगल में लाल बाग दरभंगा। लगातार 9 वर्षों से IIT एवं नीट में हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट ही हमारी विश्वसनीयता का प्रमाण। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर चौक दरभंगा, फॉर IIT नीट बोर्ड एंड जूनियर, हरी अप, एडमिशन ओपन। दरभंगा में 4 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास, चौकीदार पर मामले की लीपापोती का आरोप। दरभंगा में एक 4 साल की बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म करने का प्रयास किया, लेकिन एन मौके पर लड़की की मां वहां पहुंच गई और अपनी बेटी की आबरू उसने बचा ली। वहीं घटना के बाद गांव का चौकीदार मामले को रफा दफा करने की बात करने लगा। यह बड़ी और दुखद खबर, चौंका देने वाली खबर बिहार के दरभंगा से है। बिहार के दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के एक गाँव में 4 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ गांव के ही एक युवक द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किया गया। नाबालिग बच्ची की मां ने महिला थाना को आवेदन देते हुए बताया कि वो गुरुवार की सुबह लगभग 9 बजे घर से बाहर अपने मवेशी को चारा दे रही थी। उसी दौरान गांव के ही एक युवक उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था। संजोगवश वो सही समय पर वहां पहुंच गई, उसके चलते उसकी बेटी आरोपी की बदनीयती का शिकार होने से बच गई। घर की छत पर खेल रही बच्ची को छोड़कर वह खुद अपने भैंस को चारा देने के लिए घर के बाहर गई थी। इसी दौरान घर के बगल का मुन्ना यादव का 15 साल का बेटा उसकी बेटी को छत पर अकेले देख गलत नियत से अपने करकट के मकान पर चढ़कर उसकी छत पर आ गया। उसके बाद 4 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। गनीमत रही कि इन वक्त पर वह पहुंच गई और उस लड़के को पकड़ लिया। पीड़ित की मां ने बताया कि इस घटना की जानकारी जब उसने लड़के के पिता को दी तो वो महिला के साथ गाली गलौज करने लगा और कहा जहां तक जाना है जाओ। इसके बाद इस बात की जानकारी चौकीदार सरोज कुमार को दी तो चौकीदार ने कहा गांव का मामला है, मिलजुल कर बात करके मामले को खत्म कर दिया जाए। लेकिन बच्ची की मां ने चौकीदार की बात न मानकर सिंहवाड़ा थाना पहुंच थाना अध्यक्ष के नहीं होने पर बच्ची को इलाज के लिए PSC ले गई। डॉक्टर ने इलाज के बाद DMCH भेज दिया गया है। डॉक्टर ने इलाज के बाद पीड़िता को DMCH भेज दिया है।